हेलो, जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास एक रेडमी नोट 8 का फ़ोन है और यहाँ पे इसमें पासवर्ड लगा के ये भूल चुका है। जैसे कि आप लोग तस्वीर में देख रहा है, ये बंदा है जो कि मुझे दिया है इस फ़ोन का लॉक हटाने के लिए। तो कैसे इस फ़ोन का हम लॉक हटाएंगे, तो आइए आप इस वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले इस फ़ोन को आप स्विच ऑफ कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी बार मैंने प्रयास किया खोलने के लिए लेकिन बिल्कुल नहीं खुल रहा है। अगर आप भी प्रयास कर चुके हैं नहीं खुल रहा है तो कैसे खोलना है यानी लॉक हटाना है, तो देख सकते हैं रेडमी नोट 8 है। अगर आपके पास रेडमी का कोई सा भी फ़ोन है तो सेम प्रोसेस है, इसी प्रकार से लॉक हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले पावर बटन दबा के इस प्रकार से स्विच ऑफ कर देना है अपने फ़ोन को। स्विच ऑफ करने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या होगा, वॉल्यूम प्लस और पावर बटन, यानी कि ये दोनों बटन को आपको करना क्या है, एक साथ दबा के रखना है। बराबर तरीक़ा से एक साथ ही दोनों बटन पर उंगलियां रख के दबा देना है, जैसे कि मैं इस प्रकार से दबा के रखा हूँ। तो इस प्रकार से डिस्प्ले पर लाइट आएंगे, रेडमी का लोगो आएंगे, तो पावर बटन को छोड़ देना है और वॉल्यूम प्लस बटन दबा के फिर उसको भी छोड़ देना है। यहाँ पे आ जाना है आपको नीचे, वॉल्यूम माइनस के सहारा से आप नीचे आ जाइए और एक बार आप यहाँ पर पावर बटन को दबा देना है। जैसे पावर बटन दबाते हैं फिर यहाँ पे एक बार और पावर बटन दबा देना है। दबाने के बाद यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लीजिए नीचे आना है और एक बार पावर बटन को दबा देना है। दबाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस फ़ोन का बिल्कुल लॉक हट चुका है। जो भी पासवर्ड पैटर्न पिन था, जो भी डाटा था, बिल्कुल सारा यहाँ पर हट चुका है। तो यहाँ पर आप करना क्या है, यहाँ पर एक बार आप पावर बटन को दबा देना है या तो फिंगर से, फिंगर काम नहीं करेगा तो पावर बटन दबाना है, एक बार और दबाना है। तो चलिए एक बार मैं रिबूट कर देता हूँ दबा के। जैसे एक बार और दबाएंगे तो यहाँ पे आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएंगे। स्विच ऑफ होने के बाद फिर से यहाँ पे कुछ मिनट लगते हैं, तो यहाँ पे इंतज़ार करना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट किया हूँ ताकि वीडियो अधिक लंबी ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ। तो यहाँ पर आपको इंतज़ार करना होगा। तो इस प्रकार से प्रोसेसिंग फिर से दिखाई देंगे आपके सामने में। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप इस फ़ोन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे एरो पे दबाइए, सिंपल से एरो पे दबाने के बाद यहाँ पे फिर से एरो पे दबाइए लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पे भाषा अपना सेलेक्ट कीजिए कंट्री। तो मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया सेलेक्ट किया हुआ पहले से। तो यहाँ पे एरो पे दबाने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से प्रोसेसिंग देखने को मिलेगा। थोड़ा स्क्रॉल कीजिए और टिक मार के दोनों में एरो पे दबा देना है। दबाने के बाद यहाँ पे अपने फ़ोन को इंटरनेट कनेक्शन देना होता है। तो चाहे आप सिम कार्ड से डाटा इसमें कनेक्ट दे सकते हैं या तो हॉटस्पॉट वाईफाई से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर हॉटस्पॉट कनेक्ट कर देता हूँ इस फ़ोन में। तो इसका पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद इस फ़ोन में अब इंटरनेट चालू हो चुका है। तो चालू होने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, डोंट कॉपी। डोंट कॉपी पे करने के बाद यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग लेंगे और यहाँ पे इस प्रकार से चेकिंग इन्फॉर्मेशन बताएंगे, और यहाँ पर आपको करना क्या है, स्किप करना है। स्किप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से स्किप दबाना है, और यहाँ पे भी स्किप दबा देना है। दबाने के बाद यहाँ पे भी यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल कीजिए ऊपर उंगली से, और इस प्रकार से एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से वही प्रोसेसिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इंतज़ार करना होता है, तो आप इंतज़ार कीजिए, जितना भी समय लगता है लगने दीजिए, छेड़छाड़ नहीं कीजिए। तो यहाँ पर पासवर्ड बनाने के लिए बोल रहा है, तो चलिए मैं स्किप कर देता हूँ, बाद में बना लूँगा। तो यहाँ पे फिर से मैं एरो पे दबा के यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे फिर से मैं एरो पे दबा देता हूँ। कोई सा भी सेलेक्ट कर लीजिए और एरो पे दबा दीजिए। तो दबाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेटअप कंप्लीट हो चुका है। एक बार लास्ट बार यहाँ पे एरो पे दबाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे मेरा फ़ोन का लॉक बिल्कुल हट चुका है। तो देख सकते हैं। तो मिलते हैं, जय हिंद।